हेलो गाइस, तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज दोबारा से खेलने वाला हूँ मैड आउट टू बिग सिटी गेम। तो यार गाइस, यार मैंने जो कल गाड़ी खरीदी थी वो उससे पास से, तो मैंने गाड़ी सर्विस पे पहुँचा दी थी गाइस, और सर्विस पे पहुँचा दी थी तो मैंने, वो कह रहा है कि कल परसों तक गाड़ी आ जाएगी आपके घर पर। तो गाइस मैं सर्विस से पहुँचाई तो आया, पता नहीं कब तक आएगी। ठीक है गाइस, गाइस यार अभी तो मुझे किसी से टैक्सी लेना पड़ेगा, नहीं तो किसी से मुझे लिफ्ट मांगनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि आज तो टैक्सी वाले भी नहीं आ रहे हैं यार। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ, तो आज अपन जाने वाले हैं गाइस, मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊँ जिस जगह पे आपको घूमा खो। आज अपन चल रहे हैं ऑफ रोडिंग करने, एक गाड़ी है जिससे मैं ऑफ रोडिंग करूँगा गाइस, और उसकी मॉडिफाई भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है गाइस, अब मॉडिफाई भी करेंगे, इसके बाद गाड़ी के ऊपर लेके जाएंगे ऑफ रोड करने। ठीक है गाइस, तो पहले मैं इसी जगह पे मैंने पार्क करी अंदर गाड़ी, तो गाइस दादी का आपको गाड़ी लेके आता हूँ। ठीक है, तो गाइस तो मैं गाड़ी ले आया हूँ अंदर से, तो किसी बंदे को मैंने पहुँचाया था क्योंकि मेरे से गेट नहीं खुल रहा था। ठीक है गाइस, और उसने फिर गेट बंद कर दिया, पता नहीं इतनी जल्दी क्या हो रही थी। ठीक है, ऐसे ही बंदा था, उसने गेट खोला था। ठीक है गाइस, अभी तो देखो वो भी पार्क में लगा नहीं चल रहा है। ओए अबे मेरी नहीं, मुझे कहा भाई सॉप क्या बंदा है बे। चलो गाइस अपन चलते हैं डायरी का मॉडिफायर में, मतलब ये वाइट कलर मैंने सोचा बेकार हो ही रहा है, और ऑफ रोड टायर लगाएंगे अपन, जिससे ऑफ रोडिंग व्हीकल लगाएंगे, उससे क्या होगा अपन आराम से ऑफ रोडिंग करके देखते हैं गाड़ी क्या चलती है या नहीं चलती है। अभी तो भैया देखते हैं क्या है ना, डायरी चलते हैं अपन जेरा। अरे पास हो गया, चलो कोई ना, इसलिए मैंने पास कर दी थी। मैंने ये वाले गैराज में मैंने नहीं दी है गाड़ी, एक गैराज में दी है, तो मैं से पूछता कितने रुपए लेगा भैया तू, पता नहीं भाई कितने रुपए लेगा। चलो भाई सबसे पहले अपन करते हैं इसके कलर चेंज, बिल्कुल कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। तो अपन को ऑरेंज कलर अच्छा लगता है तो ऑरेंज करेंगे, भाई येलो अच्छा लग रहा है ऑरेंज में, भाई भाई सॉफ्ट कलर लग रही है ऑरेंज। तो आपको कमेंट बताना येलो अच्छी लग रही है या ऑरेंज अच्छी लग रही है। यार ऑरेंज तो मुझे भी लग रही है अच्छी, भाई क्या लग रही है गाड़ी, येलो अच्छी लगी थी भाई मुझे तो, येलो अच्छी लगी है। तो भी बताओ क्या करना है, बाकी आप जाके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देख लेंगे। सबसे पहले मैं टायर चेंज करवा लेता हूँ, टायर कौन सा लगाऊँ यार, ऑफ रोड व्हीकल्स लगाए या गाइस ऑफ रोड चाहिए हैं। ठीक है सर, अब गाड़ी का पंचायत है, गाड़ी को सर्विस हो चुकी है अपनी गाड़ी, तो उसने लिया सिर्फ ठीक 200 रुपये। अब हम गाड़ी चलते हैं आराम से, सर्विस अब भी हुई है भाई, सब कुछ ठोकने नहीं बच्चे हैं, देख रहा हूँ ऑयल सर्विस अपनी भी ऐसी है भाई, बच गया बीच पे में आ जाता तो। तो गाइस अपन निकल चुके हैं अपने रोडिंग करने के लिए। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, पहले जो अपडेट नहीं आया था उसकी मैंने वीडियो नहीं बताई थी, तो गाइस पता नहीं कहाँ से गाना चलने लगा था। ठीक है मैंने बंद कर दिया है। अब डायरेक्ट आपको एक चीज़ दिखा दो, पहले जो अपडेट नहीं था ना गाइस उसकी चीज़ दिखाता हूँ हमको क्या नहीं था अपडेट। ठीक है गाइस, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ, देखेगा इस पहले गाइस पता आपको कि ये बताऊँ कि पहले ये ऐसा था टूटा था, तो उसका भी रोड बनना अब बाकी है। तो आप सोच रहे हो यहाँ से अपन कैसे जाएँ उस रोड पे, तो मैं बताता हूँ कैसे जाएंगे अपन गाइस। ऑफ रोड तो इधर भी हो सकती है पर रोड कम्प्लीट नहीं है, नहीं तो भैया क्या गाड़ी दौड़ती है, मतलब ये रोड बाकी होने वाला है, ये ब्रिज दिख रहा है कैसे उसके उसकी होने का रोड। फिर अब डायरेक्ट अपन जाते हैं यहाँ से सीधे सीधे। तो गाइस बच गए यार ऑफ रोड करके आते जरा, तो कहीं जो जिससे मैंने ली थी वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं तो उससे पूछता क्या कर रहा है यार, तू भी चलता ऑफ रोडिंग करने साथ में। तो गाइस सबसे पहले देखिए ये है नाइट क्लब, अब पता नहीं यार उसमें तो बिल्कुल नहीं जाता भाई, पक्का है। अब जारी में जाने वाला हूँ यहाँ से बिल्कुल, मतलब अब मैं यहाँ से देखिए गाइस सबसे पहले तो आज जाने वाला है टॉम, जिसका नाम मतलब टॉम है जो ये है कैरेक्टर है, जो टॉम है आज टॉम की देखिए क्या है ऑफ रोड व्हीकल है। ठीक है, तो यार आपको एक चीज़ दिखाना भूल ही गया कि जो जो टॉम एक घर बनवा रहा है, पता नहीं कितने दिन बाद बनेगा, कितना लगेगा, कितना वो लगेगा। ठीक है मैंने तो अभी आपको बाद में दिखूँगा अभी यार टाइम, तो आपको दूसरे एपिसोड में बताऊँगा। ठीक है प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए यार, लाइक लाइक और भाई व्यूज़ सॉरी कमेंट में बताइए गाड़ी यार येलो अच्छी लग रही है या ऑरेंज अच्छी लग रही है बताइए। सच ऑरेंज है सही, मुझे भी नहीं लग रहा येलो है कि ऑरेंज, मुझे भी पता नहीं चल रहा।
आप ही बताना क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अपन देखे गाइस पानी पूरा सूख रहा है यार। पता है गाइस सबसे यार मेन बात क्या, यह फाटक है ना कभी भी बंद नहीं होता यार, क्योंकि ट्रेन देख रहा हूँ कहाँ अटक जाती है। अभी ये चालू नहीं हुई है ट्रेन, तो इसलिए अटकता रहती है। अभी चालू होगी जब देखा था। ये किसी के फैक्ट्री है, मतलब इसके अंदर अपन मतलब अभी शॉपिंग मॉल बनने वाला है, तो अभी बना नहीं है। तो अभी अपन डाइट चलते हैं ऑफ रोडिंग करने, तो ऑफ रोडिंग के लिए अपन को रास्ता सही है। सबसे पहले तो मैं ऑफ रोडिंग करने चलते हैं। तो गाइस ऑफ रोडिंग करेंगे तो ठीक है, बाद में कर लेंगे, मतलब ऐसी जगह भी ऑफ रोडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं अपने दोस्त को ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने दोस्त को ले लेता हूँ, कहाँ है पता नहीं, वो मार्क लगाना पड़ेगा दोस्त के पास। पीछे से गाड़ी आ रही, पीछे से गाड़ी आ रही, मेरे पे एक्साइट कर लो। ठोकियो नहीं, ठोकियो नहीं भाई, क्या पता ठोक दे। चलो पास, सबसे पहले दो उसको देखता हूँ है कहाँ वो। तो गाइस मैं देख ही रहा हूँ, तो गाइस उसको फ़ोन तो करना ही पड़ेगा, तो फ़ोन ही करके पूछ लेता हूँ कहाँ है। आप वो बोलो। अरे भाई दोस्त। हाँ बोल। अरे मैं कह रहा है यार तू है कहाँ, मैं तेरे राह देख रहा हूँ, अपन दोनों चलते हैं आज घूमने। यार मैं तो घर पे हूँ यार। हाँ तो तू उधर आ जा यार, पेट्रोल पंप के पास खड़ा हूँ मैं, आ जाएगा गाड़ी लेके। नहीं तो रुक जा, मैं घर आ जाता हूँ तेरे, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। चल ठीक है भाई। पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही आपकी, उसको पता नहीं, पता नहीं उसकी आवाज़ मुझे भी नहीं आ रही थी, पर आपको भी नहीं आ रही होगी, मुझे बता दें तो। ठीक है गाइस अब तो आ रही, अपन चलते हैं डायरेक्ट उसके घर। तो अपन को घर तो नहीं मालूम, पर इतना मालूम है वो कहीं तो घर तो ब्रेक, मुझे भी मालूम है गाइस, पता नहीं वो घर में होगा ही नहीं, झूठ बोलता रहता कभी कभी मुझसे वो। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से निकल गया हूँ, एक काम करता हूँ गाइस मैं अपने जो घर बन रहा है तभी रोक के पूछ लेता हूँ, फोन लगाता हूँ उसे फिर से। आपको देखना अब तो आवाज़ आएगी आपको। हेलो। हाँ बोल भाई। मैं तो पेट्रोल पंप के पास खड़ा हूँ, आप बता तू कहाँ है। अरे यार मैं तो अभी ये जो दिख रहा है ना वो वहाँ पर हूँ मैं। चल ठीक है मैं मार्क देख लेता हूँ, है ना। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने भेज दिया। चलो गाइस तो उसने लोकेशन भेज दी है मुझे, तो वो इस साइड पे है डायरेक्ट, इस साइड पे है, तो मैं देख लेता हूँ किस साइड पे वो, मुझे लगता है वो साइड में ही है डायरेक्ट। चलो गाइस चलते हैं अपन डायरेक्ट। तो यार गाइस यार आपको बताइए कोई सी अपन गाड़ी लें, अभी तो मैंने इंडिया व्हीकल्स भी ली थी, तो अभी तो मैं सर्विस से बची थी तो आपको दिखाता मैं। अरे यार मैं करवाता था मॉडिफाई, तो जब बिल्कुल भी मतलब वो बिल्कुल बहुत पैसा ले लेता और उनकी तरफ से करवाएं तो अपन मतलब जो उसने कागज़ दिए थे जिस जगह से ली थी, तो वही करवा के दे रहा है मुझे, वही जो कल पंजाबी बोल रहा था जो बंदा। ठीक है अब डायरेक्ट अपन चलते हैं यहाँ से राइट, राइट है लेफ्ट है, लेफ्ट है साइड, पता नहीं कहाँ है आज, ये भी पूरा रास्ता भड़का रहा है मुझे भी। चलो आगे से लेंगे अब क्या कर सकते हैं, पर सिग्नल तोड़ देते हैं यार हम तो यार, ऐसे ही करते हैं। अरे यार कभी उस साइड कभी इस साइड। ठीक है यहाँ से अब अपन को लेना है राइट, अंदर ले लिया अपन ने राइट करके। ठीक है अपन यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी देर लग रही है, पता नहीं यार उसको आधे 5-10 मिनट तो ही हो गए यार ढूंढने में, हो जाते हैं यार। अब चलिए अब उसको लेके जाता हूँ डायरेक्ट मैं, वो साइज बुक कह रहा था अपन कपड़े लेने चलते हैं, बाकी देखते हैं कपड़े ले रहे हैं या नहीं ले। ठीक है अपन देख लेते हैं कपड़े लेना है या नहीं लेना है, उसने तो यही लोकेशन दी थी यार मुझे। सबसे पहले मैं देखता हूँ, तो गाइस थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है मुझे पता चल गया उसका लोकेशन, वो रहा है यार वो भी यार, पता रहे क्या करने आ जाता है, पहले ही बता देता तू उधर है। अब वो पूछते हैं उससे, उससे तो होती इसके ऊपर, पता नहीं कुछ करने आया था भाई। अरे भैया ओए, सुन ही नहीं रहा साइड, कांच में से आवाज़ नहीं आती, सर को दिखा तो दो अपना चेहरा। और भाई साहब क्या हाल चाल तुम्हारे, इतने दिन बाद मिल रहा हूँ, मुंबई से आ गए क्या। हाँ यार बोल तू क्या कर रहा था। अरे मैं तुझे इतना फोन लगाया तू तो आए नहीं यार, आवाज ही नहीं आ रही होगी फिर तो, मेरा चार्ज पूरा डिस्चार्ज कर गया था मोबाइल। अच्छा भैया चल कोई ना, अब तू बता क्या हाल चाल तेरे।
अरे बहुत ही बताऊँ यहाँ पर मुझे बहुत। अब मैं क्या कह रहा हूँ तुझे, अपन चलते आज कहीं घूमने। यार चल एक काम करते हैं ना, एक काम कर नानी के घर चलते हैं वहाँ से। नहीं नानी घर नहीं जाना अपन को अभी, अभी अपन दारी चलते हैं। तो अपन ले सोच रहा हूँ मैं यार अपन कहीं चलते हैं, मतलब अच्छी जगह घर लेने की सोच रहा हूँ कार के हिसाब से, जैसे कार भी आ जाए और घर भी, बहुत सारी गाड़ी हो गई मेरे पास। पहले व्हाइट थी ना, हाँ मैंने येलो और येलो करा दी को की। अच्छा अच्छी नहीं लग रही थी यार। ठीक है अब सुन, अब मैं क्या कह रहा हूँ अपन ना कुछ घर ले लेते हैं अपने हिसाब से। अरे एक लंबा घर बन ही रहा तो वो तो नहीं, वो घर नहीं चाहिए मुझे अभी। तो कौन सा घर चाहिए अभी, मैं जा अपन चलते अच्छा सा घर ढूंढने, फिर वहाँ से अपन चलते डायरी का, अपन चलते बाकी देखते हैं क्या करना आगे। हाँ ठीक है, ठीक है पहले तो घर लेते हैं फिर बाकी का देखते हैं। हाँ बाकी का बाद में, आप तो शांत बैठ जब तक मैं थोड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ। तो यार सुना, तो यार मैं सोच रहा हूँ घर लेने सोच रहा हूँ यार। अब भैया गेट तो लगा ले। गेट भी नहीं लगा रहा, गाड़ी चल रही फिर भी। चलो भाई तो अपन चलते हैं आज घर लेने की सोच रहे हैं। और गाइस यार घर तो यार इसके हिसाब से चाहिए, जिसके हिसाब से अपना गाड़ी घोड़ा सब आ जाए यार। गाइस गाड़ी तो आनी चाहिए यार, इतनी सारी गाड़ी हो चुकी है अपने पास। गाइस वैसे तो मैं इसको परमानेंट मैंने एक जगह गैस तो बना के रखा, पर मुझे घर तो चाहिए यार अब, क्योंकि कल वाले एपिसोड में मेरा भाई आ रहा है तो मेरा भाई और मैं ही रहूँगा। बाकी सोफा सेट वाला घर भी अच्छा ही है, वही ले रखे वही रहने देते हैं अपन। पर मैंने उसको पूरा ना ऐसे मैंने पहले उससे अरेंज पे रहता था, अब नहीं रहूँगा। अब मेरे पास तो पहले मैंने क्या करा था, मैं सोच रहा था पहले घर लेंगे उसके बाद ही देखा जाएगा, पर मुझे वही घर अच्छा लग रहा है सोफे सेट वाला, तो अपन वही लेने जाते हैं। और दिल्ली से आप कमेंट करिए घर अच्छा लगा है, वो वाला घर आपको कैसा लगा, ठीक है। और अपन गाइस एक चीज़ बनवा दे, आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई, ये जो सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये पूरी है ना वो जिस बंदे से मैंने गाड़ी ली थी उसी का पूरा शोरूम है ये, मतलब शोरूम अभी कंप्लीट तो नहीं हो, पर वो गाड़ी इधर ही रखता है इधर ही बेचता है, ठीक है बिल्कुल ठीक उस साइड। तो अपन डायरेक्ट चलते हैं अभी, तो डायरेक्ट में जा रहा हूँ अपन पहले। चल हम जा रहे हैं अभी, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ शॉपिंग में क्या क्या लूँगा क्या नहीं लेना है। मैं सोच रहा गाई साथ जूते भी ख़राब हो रहे हैं बहुत सारे, मैं जूते भी लेता हूँ और शॉपिंग करके आता हूँ अच्छे से बढ़िया से, ठीक है गाइस। अब डायरेक्ट चलते हैं शॉपिंग में। वैसे तो मैंने कपड़े तो लिए थे पर नहीं यार गाइस, क्योंकि यार आपको देखिए ठंड भी स्टार्ट हो गई, ठंड के हिसाब से कपड़े ले होंगे, तो मैंने सोचा इधर से ले लेते हैं या जो वो भी बन रहा है। तो बस वैसे एक आध दुकान इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं, पर इधर भी नहीं होना है। मैं कैसे आपको एक चीज़ बताऊंगी यार, आपको ये बताओ ये घर कैसा लगा आपको, मैं आपको दिखा दूँ पहले गज। अब ये बताओ पहले नंबर क्या कि घर कैसा लगा, अच्छा फर्नीचर है इसके अंदर। और गज मैं सोच रहा हूँ लेने की, पर अभी ले नहीं रहा हूँ यार, अपने पास ऑलरेडी एक घर है, ठीक है गाइस। उसमें फ्रीज वगैरह है, ऊपर अनबाड़ी रखी है, बाकी बेड तो अभी नहीं है, बेड खरीदना पड़ता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट सीधे चलते हैं यहाँ पे मार्केट में। अब मार्केट से अपन को पहले तो दुकान से लेना पड़ेगा कुछ सामान, तो गाइस यही पूरी दुकान है, इसी के अंदर से मैं बहुत कुछ ले लेता हूँ, बहुत सारी चीज़। तो ये भी लेगा मेरा दोस्त आजा। अरे सुन तो भाई दोस्त, क्या बोल इसका नाम क्या था यार, इसका नाम क्या था शायद, इसका नाम था वे बॉय बोलता हूँ यार, इसका नाम अटपटा, तो यार इसका नाम मुझे अटपटा लगता है, तो इसलिए मैंने इससे बॉय बोलता हूँ, बॉय ब्रो ब्रो ए ब्रो। चल तू कपड़े खरीद, मैं भी कपड़ा लेता हूँ ना। तो गाइस मैं यहाँ से अपन कपड़े खरीदते हैं। अब मैं सबसे पहले आप बताइए क्या लेना चाहिए अपन को। वैसे तो मुझे जैकेट अच्छी लग रही तो मैं जैकेट ले लेता हूँ, और बाकी ये बाकी और टी शर्ट भी रखी हैं, बाकी सब ऐसी है। तो गाइस मैं सोच रहा था मैंने कल एक चीज़ ली थी, क्या ली थी, हाँ गाइस मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि देखा है पूरा 20 पॉइंट्स का मैंने ये खरीदे था जूते, आपको पता ही कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो बताइए, तो मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैंने खरीद लिए हैं। गाइस मैं जैकेट लेने की सोच रहा हूँ, पर जैकेट यार लेंगे कोई और कभी बाद में लेंगे, 3500 की है भाई, और जो 75 की जैकेट है सोच रहा हूँ बहुत महंगी पड़ रही है यार। मैं सोच रहा मैं से कोट ले लूँ, वैसे भी मेरे पास कोट भी नहीं है, तो मैं लेता हूँ 28 वाला, ठीक है। और पैंट में से कुछ दे देते हैं, मैंने पैंट अच्छी लग रही थी पर मैंने ली नहीं, ठीक है इसलिए अच्छी लग रही है। अब जारी का अपन चलते हैं जूते में देखो गाइस मैंने सबसे पहले ठीक जेब लिए हैं, और गाइस मैं जाके देखना चाहता हूँ और क्या लूँ। ये चश्मा अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर चश्मा ले लेता हूँ, तो ये सही है अपने लिए। और गाइस बाकी और कुछ भी है, मतलब मास्क तो पहनना ही है भैया, मैं मास्क भी था, मास्क वैसा गाड़ी में रखा था तो रहने दीजिए, मास्क तो नहीं पहनना, पर ले लेते दो दो क्या करना, ठीक है।
आपको पता है ये जैकेट कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है ना? हाँ भाई अच्छी तो लगी गई। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने कड़े में, यहाँ से मुझे सबसे अच्छी चाहिए वॉच। तो वॉच तो बिल दे रही है अच्छे से। तो गाइस कोई ना, मैं नहीं पहन रहा हूँ आज, में कुछ भी नहीं पहनना मुझे आज, ऐसे ठीक है। बाकी कड़े में गए ठीक है। 28,000 का खर्चा हो गया मेरा पूरा, हो गया गाइस ठीक है। ठीक है 1,50,000 भी बचे हैं अभी भी ठीक है गाइस। अपन ने तो ठीक खरीद लिए हैं कपड़े, अपन अब रेडी हो चुके हैं आराम से ठीक ठाक। पता नहीं है कितनी देर लगा रहा है, ये भी रेडी, इसने पता नहीं क्या खरीदा। ओ भाई साहब अच्छा भैया तर ठीक ठीक, हाँ मैंने तो अच्छी खरीदी थी। चल चल ठीक है, चलते अब घर 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 तो ले, अब चलते गाड़ी का, अपन चलते हैं आज, चलो ऑफ रोडिंग करके आते हैं गाड़ी की ठीक है। और देखते हैं ऑफ रोडिंग कैसी है। सबसे पहले हमें ऑफ रोडिंग करने चलते हैं अपन भाई, टूटना नहीं चाहिए बस ऑफ रोडिंग में। पता है मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, जहाँ पे करूँगा भाई मैं, मस्त होती है भाई ऑफ रोडिंग पता है आपको, देख रहा हो। ट्रेन तो ऑफ रोडिंग के लिए टायर चेंज करानी पड़ेगी गाइस, ऐसी चीज अपन ऑफ रोडिंग करें तो भाई तो लग रहा है अपन ऑफ रोडिंग में जा ही रहे हैं बिल्कुल अपन आराम से। बस भाई बस स्केच पड़ गया है थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं पड़ा। ऑफ रोडिंग टायर अच्छे हैं, पीछे भी हो रही है, मैं तो कोई भी गाड़ी पीछे भी नहीं हो रही थी, रेस देना पड़ रहा है फुल फुल रेस, फुल रेस वैसे ना फुल तो रेस लॉक लगा दिया है रेस में, पता है आपको तो दबा के रखा हुआ मेरा भाई, इतनी देख चूसा करा देख रहा हूँ भाई ने, दोस्त सॉरी भूल गया था, दोस्त नहीं मेरा भाई है। मैंने शायद कल जो एकदम से कुछ बताया नहीं मैंने, मेरा भाई है छोटा, मतलब कल आ गया था तो मैंने, मेरा भाई ब्रो नहीं, वैसे ही आपको थोड़ा इससे प्रैंक कर रहा था, ये ब्रो है आपसे प्रैंक कर रहा था मैं ठीक है। अच्छा आराम से गाइस। अरे पूरे गाड़ी का ऑफ रोड टायर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ यार कुछ भी। अब आराम से गाइस, मेरा भाई भी अच्छा ठीक बैठ गया। तो गाइस अरे यार ये क्या है यार, ऑफ रोड यार अच्छी रहती है पर ना बस इसमें क्या आर्मर लगाना भूल गया मैं, इसको आर्मर लगाना पड़ेगा गाइस। और गाइस आपको कोई से कपड़े भी चाहिए ना तो आप इधर आके ले सकते हो, मतलब जो भी गेम खेल रहे अच्छे अच्छा प्राइस भी रहता है और अच्छे मार्ट में मिल सकते हैं ठीक है। बाकी गाइस अपन डायरेक्ट सीधे चलते हैं यहाँ से मैंने एक गाड़ी तो लेने की सोच ही रहा हूँ, तो गाइस आपको बताता हूँ कौन कौन सी गाड़ी रखी इधर यहाँ रोकी मैंने गाड़ी, यहाँ पे उतरे गए इनमें पूरे में भाई लाइन से गाड़ी कार रखी है, जो उसको भी चाहिए उसका लॉक खुल जाता है और अपन आराम से कर लेते हैं ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ पे गया, अब देखिए गाइस सबसे पहले स्टार्ट में है ये वाली गाड़ी, अब ये है पूरी 40,000 की, एक ये है 45 लैक्स की और ये 30 कॉइन्स की और जो है 50,000 की, ये 157.5 की है, ये 70 कॉइन्स की, 80 कॉइन्स की है, ये 90 कॉइन्स की है, ये 2020 की है, जो भी गाइस आपको लगे तो आप बताइए कौन सी लगे, कौन सी लगे कमेंट में बताइए। मतलब गाइस मुझे सबसे अच्छी बताइए कौन सी लग रही है मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस मैं ये लेने की सोच रहा हूँ, आप कमेंट में बताइए सच्ची है या बेकार गाड़ी है, मतलब 6,90,000 की तो आई रही है गाइस। बाकी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छी लगी हो, तो ब्लोरो लेने की सोच रहा हूँ गाइस, तो ब्लोरो लें या ना लें आप बिल्कुल कमेंट में बताइए, 1 करोड़ रुपये की आ रही है। बाकी एक चीज़ और गाड़ी है गाइस, तो मैं लेने जा रहा हूँ ब्लोरो, तो एक ये भी है, एक ब्लोरो भी छोटी ये वाली भी है। तो गाइस मैं कल की वीडियो में ब्लोरो लूँगा यार, तो सोच रहा हूँ ब्लोरो ले ही लूँ। बाकी तो एक ये तो है मेरे पास, ये 7 लाख की पड़ी थी भाई मुझे, मैं ये ओटस भी अच्छी है अपने पास, 1,40,000 की गाड़ी मैं ये ले लेता हूँ भाई गाइस। सबसे पहले मैं इसको बाय करके घर ले चलता हूँ ठीक है गाइस, तो पहले मैं बाय कर लेता हूँ उसके बाद आपको घर ले चलते हैं। डाड़ी मैंने बाई पे करा तो मैं ये ले रहा हूँ गाइस गाड़ी गाइस, अब मैं दबा रहा हूँ। तो गाइस मैंने पेमेंट कैश में करी है और बचे हैं भी मेरे पास 16,000, जब मेरा हाथ में थे तो मैंने कैश ही करा। तो गाइस गाड़ी आने का तुले ही है, आ रही है। तो गाइस ये आ गई अपनी गाड़ी, मैंने बोला था गाइस जब अपन को मिल जाएगा मार्ड। अब ये ओडी की गाड़ी मेरा भाई ले आएगा,
तो उसको चाबी तो रोक तो खोल के देना, चाबी तो दे देता हूँ मैं। चलो अपन तो निकलते हैं, ले आएगा ना? हाँ ले आऊंगा। अच्छा चलाना आती है? आती है मुझे, तुम तो मुझे बच्चा मत समझा करो। एक काम कर, तू घर निकल जा, मैं ना इसको मॉडिफाई करवा के लाऊंगा, नहीं तो कल के एपिसोड में करेंगे गाइस। तो गाइस अभी तो मैं घर ले चलता हूँ, तो घर चलते हैं अपन। तो मैं भी चलूँ क्या? तो आज की शायद आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने ये गाड़ी ले ली है और पीछे मेरा भाई लेके आ रहा है। अबे क्या करता है, ओडी पूरी तोड़ दी इसने गाइस। तो ठीक है गाइस, अब मैं अपन डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से। मैं आपको पहले इसकी वो पेपर वेपर ले लेता हूँ गाड़ी के, उसके बाद निकलते हैं गाइस। पेपर ले ही लेता हूँ यार, तो मैं सही में कल नहीं, तो जैसे ही मैं मॉडिफाई में जाऊँ तो पेपर ले लूँगा। ओ गाइस ये गाड़ी आपको कैसी गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए कि अपन इसको कैसी मॉडिफाई कराएं, कैसे कलर में कराएं। ठीक है गाइस, तो यार मैं तो क्या थोड़ा नहीं रोक के आपको पूरा। तू निकल भाई मंजू। हाँ तो रहने दे, रुक जा क्या? रुक जा, आजा तू, तो नहीं आजा। और गाइस अपने रास्ते में गाड़ी कर दी तो मैं किसी को बुला के कर दूंगा। तो गाइस मैं इस साइड खड़े हो जा, इस साइड जा। और गाड़ी में कहाँ बैठ रहा है यार बंसू? अरे गाइस इसका नाम भी बंसू है, और वो जो गाड़ी वाला उसका नाम भी बंसू, तो इससे कह रहा था हम दोनों का नाम सेम क्यों रख दिया यार, मतलब रखे नहीं, मतलब सेम क्यों है ये बोल रहा है वो। तो गाइस सबसे पहले उसने गाड़ी सेट करी है, और जहाँ खड़े होने के पहले बोला तो खड़ा भी नहीं हो रहा है, गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं गाइस। तो गाइस ठीक है, आज की वीडियो यही एंड करता हूँ गाइस, और आपको बताऊँगा कैसी लगी गाड़ी। और मैं पूरा गेट खोल देता हूँ, खोल दिया गाइस मैंने गेट। अरे रुक जा भैया, तो गाइस तो मैंने इसके गेट खोल दिया, तो पीछे का भी मैं खोल ही देता हूँ यार, मैंने भी खोल दिया पीछे के और आगे के भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। अरे इसमें क्या बैठ रहा हूँ, पीछे के भी खोल देता हूँ। अरे यार आगे क्यों बैठ गया मैं? ठीक है गाइस, अरे यार सीट चेंज नहीं हो सकती है, पता है मैं वही, मुझे बहुत बोली गुस्सा आ रही है बंसू तेरे ऊपर। ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने पूरी गाड़ी के गेट खोल दिया गाइस। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और मैं इस वीडियो पे एंड करता हूँ पूरे 200 लाइक के, तो भाई प्लीज़ पूरे कंप्लीट करा देना गाइस। और गाइस अच्छी लगे तो लाइक करना, और बताइए गाइस तो कैसी है ये गाड़ी, आपको कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है गाइस बताना गाइस। ठीक है भाई, बाय बाय।